पुलिस अधीक्षक रेलवे आगरा जोगिंद्र कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक रेलवे आगरा अनुराग दर्शन द्वारा ट्रेनों में अपराध की रोकथाम हेतु अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक जीआरपी आगरा विजय सिंह द्वारा गठित टीम ने दिनांक 26 फरवरी, उप निरीक्षक नीरज कुमार गुप्ता द्वारा मैं हमराइयों के साथ रेलवे स्टेशन आगरा कैंट की सर्कुलेटिंग एरिया के पास दो अभियुक्तों को 20 किलोग्राम गांजा सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग दर्शन ने खुलासा करते हुए जानकारी दी। आज सुबह 8 बजे हमारा जो एक सुदृढ़ मुद्दिन सूचना तंत्र है, जो कि पहले से भी एडीजी रेलवे महोदय तथा पुलिस अधीक्षक रेलवे महोदय के निर्देशन पे हम लोग जो है ये चीज़ जानते हैं, और सभी को पता है कि विशाखापट्टनम और साउथ से आने वाली ट्रेनों में लोग एक बड़े अच्छी ट्रेनों में अच्छी जगह रिजर्वेशन करा के गांजे की तस्करी कर रहे थे। इस पे हमारा एक पूरा आरपीएफ का और जीआरपी का एक बहुत अच्छा कंपोनेंट इस चीज़ पे काम कर रहा था। इसी काम के क्रम में आज सुबह 8 बजे पता चला कि एक महिला जो कि राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थी, वो आ रही है। उसको जब हम लोगों ने चेक किया और अपने सिखलाए हुए तरीके से जब उसको वॉच किया, तो वॉच करने पे हमें वो महिला 24 किलो गांजा तस्कर और उस व्यक्ति 20 किलो गांजे के साथ वो बरामद हुई। और उसके साथ ही उसके एक व्यक्ति साथी व्यक्ति जो उसके साथ इस पूरे तस्करी के काम में सहयुक्त है, लिप्त है, वो व्यक्ति उसको गाड़ी से उस गांजे को रख के उसको एक साथ हम लोगों ने गिरफ्तार किया हुआ है, जिससे कि वो लाने वाला कैरियर और उसको आगे ले जाने वाला व्यक्ति जिसकी भूमिका की जांच और भी चीज़ों की जांच अभी विवेचना में आएगी, जिसने उससे पहले भी उसके साथ अपना एक रिजर्वेशन पहले करा रखा था और कतिपय कारणों से रिजर्वेशन को न लेकर और उसके साथ वो यहाँ बहुत देर तक रहा और उसको लेके जा रहा था। इस पूरी गिरफ्तारी से मैं जो है इंस्पेक्टर जीआरपी आरपीएफ की टीम और इसके अतिरिक्त चौकी इंचार्ज राजा मंडी जो कल विशेष तौर पर इस पूछना के बाद इस काम में लगाए गए थे, उनके साथ लगभग 7-8 कॉन्स्टेबल्स की टीम है जिनके नाम अभी आपको प्रेस नोट के जरिए दे दिया जाएगा। इन्होंने निश्चित तौर पर एक बहुत ही कुशलतापूर्वक और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ काम को किया और एक पूरी खेप को बरामद किया। हाँ, एक सेंट्रो कार से उस चीज़ को लेने आए थे जिससे ये उसको अपने गंतव्य स्थानों तक पहुँचाते, और ये गिरफ्तारी के बाद उनके बयानों से उनके इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से चीज़ें निकल के आएंगी कि किस महिला का और भी महिला का सर इनका कोई आपराधिक अपराध। हाँ, इनका आपराधिक इतिहास जो है पहले भी पता करा जा रहा है, लेकिन फिलहाल वो महिला ने सारी चीज़ों को कबूल लिया है और चीज़ें आ गई हैं सामने। अब हम इस तरह से वीआईपी तरीके से हाँ ये अभी राजधानी एक्सप्रेस जैसी भी अच्छी ट्रेनों का इस्तेमाल ये करते हैं कि जिससे पुलिस कभी उनको महिला होने के नाते, ऐसी अच्छी ट्रेनों के नाते और बढ़िया बढ़िया गाड़ियों से इन चीज़ों को करते हैं कि जिससे कि आम तौर पे आदमी ये माने कि ये व्यक्ति अच्छे स्तर को बिलोंग करता है समाज के, और इसके बारे में हम कभी जब तक सूचना ना मिल पाए तो उनको ऐसे छेड़ा जाना जैसा लगता है, उनकी उनको डिस्टर्ब करने जैसा लगता है। महिलाएं भी लगते हैं सर। हाँ, कैरियर के तौर पर और वहाँ से आने के तौर पर, चूँकि वो आराम से बच जाती है महिला होने के नाते, तो अब वो लोग तस्करों का जो पूरा संजाल है। अनुमानित कीमत क्या है? अनुमानित कीमत लगभग 1,60,000 रुपए के करीब होगी। जीआरपी द्वारा समय समय पर गांजा तस्करों को पाबंद किया जाता रहा है, इसके बावजूद नशीले पदार्थों की खपत रुकने का नाम नहीं ले रही है। 7 इंडिया न्यूज के लिए सोनू कश्यप की रिपोर्ट।